पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि आज सुबह 9 बजे स्मृति का वाटिका चारबाग में होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। रामलला दर्शन के लिए रवाना हुई योगी कैबिनेट, लग्जरी बस में आरएलडी विधायक राजा भैया और आराधना मिश्रा भी मौजूद। वहीं अयोध्या रवाना होने से पहले बोले सतीश महाना, हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं, एक उत्साह और परिवार के साथ रामलला के पास जा रहे हैं। ये बड़ी बात है कि एक साथ सभी लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर बना है, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। देखिए, हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं, सारे विधायक देखिए किस उत्साह के साथ, परिवार के साथ सब लोग वहां पर चलने के लिए जा रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है कि भगवान के दर्शन एक साथ जाकर इतनी बड़ी संख्या में हम सब लोग करने का अवसर हमारे को मिला है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और सारी व्यवस्थाएं माननीय योगी जी के द्वारा की गई है, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, बहुत आह्लादित हैं, बहुत भावपूर्वक क्षण है मेरे लिए आज का। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कलेक्ट्रेट और विकास भवन का किया निरीक्षण। अम्बेडकर नगर में विकास भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण, न्याय पथ का उद्घाटन। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से हुए निलंबित, अनुशासनहीनता को लेकर की गई कार्यवाही। 6 साल के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पार्टी से निष्कासित। बीते दिनों प्रमोद कृष्णम पीएम मोदी से मिले थे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे। बाराबंकी शेख नत्थन बाबा उर्स के मौके पर आयोजित हुआ मुशायरे कार्यक्रम में पहुंचे इमरान प्रतापगढ़ी, साथ ही सपा नेता अरविंद सिंह गोप भी रहे मौजूद। यूपी के 2387 सेंटर पर आरओ एग्जाम शुरू। 411 पदों के लिए 10,76,000 कैंडिडेट्स ने किया था रजिस्ट्रेशन। सालवर गैंग की धरपकड़ के लिए भी अलर्ट जारी। सोनभद्र में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी की बैठक, हजारों कार्यकर्ता पहुंचेंगे चंदौली। राहुल गांधी सैयद रजा में करेंगे जनसभा को संबोधित। इक्कीस फरवरी को कानपुर पहुंचेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस ने तैयार किया रूट, लखनऊ होते हुए सुबह 8 बजे उन्नाव के रास्ते से यात्रा घंटाघर जाएगी। मुजफ्फरनगर में 12 फरवरी को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रताल पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के शुक्रताल आगमन को लेकर रूट डायवर्जन जारी। मुजफ्फरनगर भोपा मोरना शुक्रताल मार्ग निर्बाधित रहेगा, जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई। आगरा में 2 छात्र गुट थाना परिसर में भिड़े, दोनों पक्षों के लोग मारपीट में थाने पहुंचे थे। दोनों पक्षों के छात्र एक दूसरे को सामने देखकर फिर से हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, पुलिस ने 25 से 30 अज्ञात लोगों पर केस किया दर्ज। हरि परिवार थाना परिसर में हुई मारपीट। आज से फिर बदल सकता है मौसम, कल से 40 शहरों में हो सकती है बारिश। 15 फरवरी तक बरसात के आसार, 20 से पड़ने लगेगी गर्मी। अयोध्या कानपुर का तापमान 4 डिग्री तक रहा। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।